की पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च कर दी है। भ्रष्टाचार की साइकिल अलग से चलती थी, ये पीएम मोदी का बयान सामने आया है। आपको बता दें सिद्धार्थ नगर में पीएम मोदी संबोधन दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। पहले की सरकार घोषणा करे बैठ जाती थी लेकिन काम नहीं किया करती थी। जन औषधि केंद्र से मस्ती जो सस्ती दवाइयां हैं अब वो यहाँ पर मिलनी शुरू हो जा रही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से साफ सफाई से बीमारियों में कमी आई, क्योंकि जो अभियान चलाया गया था वो कहीं ना कहीं सफल रहा था। यूपी में 90 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है, ये अपनी कुछ उपलब्धियां यहाँ पर पीएम मोदी ने गिनाई। तो यूपी में आज नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया, 9 नए मेडिकल कॉलेज उद्घाटन किया गया है, जिसमें देखिए कई ऐसे जिले हैं, चाहे वो देवरिया हो या फिर वो जौनपुर हो, ऐसे कई वहां पर जिले हैं, 9 ऐसे जिले हैं जहां पर इन 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। और साफ तौर पर यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि हम चाहते इन 9 मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो डॉक्टर्स बने। देखिए सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़, एटा, फतेहपुर, जौनपुर और हरदोई, ये ऐसे 9 जिले हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की एक कह सकते हैं उनको एक गिफ्ट दे दिया, उनको तोहफा दिया गया है दिवाली का, क्योंकि देखिए दिवाली भी नज़दीक है और देखिए उपचुनाव भी, माफी चाहते हैं, ये जो विधानसभा के चुनाव है वो भी नज़दीक आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के। कहीं ना कहीं जो ये जो परियोजनाएं हैं, ये जो योजनाएं हैं, ये दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव नज़दीक आते ही जितनी भी जो भी पार्टियाँ होती हैं, अभी जो भी सरकार हो वो अपनी योजनाएं उपलब्ध करवाती है, उद्घाटन किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है। और वही आज सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने 9 ऐसे जिले हैं जहां पर इन 9 जिलों को 9 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। अब देखिए अब इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की लॉन्च की शुरुआत, और साथ ही साथ मेडिकल को लेकर यहाँ पर एक साफ तौर पर बड़ा काम किया गया, चाहे वो साफ सफाई की बातें हो या फिर वो मेडिकल को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधन में कहा था कि अब किसी की भी मेडिकल व्यवस्था ना मिलने की वजह से मौत नहीं होगी। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज JioTV, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।